किसको, मणिपुर वाले मुख्यमंत्री को कि अजय मिश्रा को, कि पहलवान बेटियों को जो न्याय नहीं दिया उसको, किसको इस्तीफा देना चाहिए, कि 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का जिसपे आरोप लगाया उस अजीत पवार को, छगन भुजबल को, हसन मुशरिफ को, किसको इस्तीफा देना चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी को कि हेमंत बिश्व शर्मा को जिसके ऊपर शारदा स्कैम और वाटर घोटाले का आरोप लगाया, जमीन घोटाले में जो नारायण राणे शामिल है उसको इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता आप केजरीवाल को सिखा रहे हैं, भाजपाई एक नंबर के बेईमान, हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट पार्टी, लाखों करोड़ का चंदा और हेर फेर करने वाली पार्टी, जिन्होंने 15 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ किया, जिन्होंने नोटबंदी का घोटाला किया, जिन्होंने बैंक के सेटलमेंट के नाम पे 3,53,000 करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया, जिन्होंने अपने एक दोस्त के लिए, अडानी के लिए हिंदुस्तान की सारी संपत्तियां नीलाम कर दी, बिजली हो, पानी हो, सेल हो, कोल हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, सब उसी एक व्यक्ति को दे दिया। वो हमें नैतिकता सिखा रहे हैं। हिंदुस्तान के 82 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे जिंदा हैं, और उनका दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरे देश की संपत्ति लूटेगा और 2,50,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेके घूमेगा। हमको नैतिकता सीखनी है भाजपाइयों से, बंगालू लक्ष्मण की पार्टी से, यह सिखाएंगे नैतिकता। उस अरविंद केजरीवाल को जिसने IRS की नौकरी को लात मार दिया, उस अरविंद केजरीवाल को यह नैतिकता सिखाएंगे जिन्होंने 49 दिन की मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार दिया, 49 दिन के मुख्य चपरासी की नौकरी कोई नहीं छोड़ता। मुख्यमंत्री बने थे पहली बार दिल्ली के, 49 दिन के बाद लात मार दिया उस कुर्सी को। आज सवाल नैतिकता का नहीं है, याद रखिएगा, बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं, याद रखिएगा इस बात को, नैतिकता का सवाल ही नहीं है। नैतिकता का सवाल होता तो सबसे पहले कारगिल के फौजी की पत्नी जहां पे निवस्त करके घुमाई गई मणिपुर में, दंगे हो रहे हैं 1 साल से, वहां पे इस्तीफा होता। नैतिकता का सवाल होता तो अजय मिश्रा टेनी का लड़का जो 4 किसानों को कुचल के मार देता है उसका इस्तीफा होता, पहलवान बेटियों को न्याय मिलता। नैतिकता का सवाल होता तो, नैतिकता का सवाल होता तो चुन चुन के भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करके मंत्री पद पर नहीं बिठा रहे होते मोदी जी। नैतिकता सिखा रहे, आदर्श घोटालेबाज को आप जो है राज्यसभा में भेज के हमको नैतिकता सिखा रहे। भाजपा वाले, ये सवाल नैतिकता का नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, ये सवाल भारत के लोकतंत्र को बचाने का है। आज केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे, आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाएगा, खत्म, सारे विधायकों को तोड़ा जाएगा, जेल में डाला जाएगा, हमारे मंत्रियों को जेल में डाला जाएगा, पंजाब के मंत्रियों को, विधायकों को जेल में डाला जाएगा, पंजाब के मुख्यमंत्री को जेल में डाला जाएगा, उनसे इस्तीफा मांगा जाएगा, स्टालिन को जेल में डालेंगे, विजयन को डालेंगे, सिद्धारमैया को डालेंगे, रेवंत रेड्डी को डालेंगे, ममता बनर्जी को डालेंगे, पूरे देश के विपक्षी पार्टियों को खत्म करेंगे, अखिलेश यादव को जेल में डालेंगे, तेजस्वी को जेल में डालेंगे। तुम्हारी चप्पल उठाने के लिए बने हम लोग, देश में दादागिरी करोगे, नैतिकता सिखा रहे हो हमें। उत्तर भारत के बड़े बड़े नेताओं को, एक आदिवासी नेता को हेमंत सोरेन को आपने जेल में डाल दिया, अरविंद केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया, कल को सारे विपक्षी नेताओं को 4 फर्जी मुकदमे लगाओ जेल में डालो, फिर नैतिकता पे बता रहे हो। और उत्तर भारत के लोग इस चीज को देख रहे हैं कि कैसे टारगेट कर करके एक एक नेता को जेल में डाला जा रहा है। हम लोग चप्पल उठाने के लिए बने हैं। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल V News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।